नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। जनपद कौशाम्बी के करारी कोतवाली के नेवारी गांव में सोमवार की सुबह विद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारी करा रहे ग्राम प्रधान पति को दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। प्रधान पति का आरोप है कि वो विद्यालय में थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे से लैस गांव के ही विकास कुमार, कमलेश कुमार, राम अभिलाष, सतीश कुमार विद्यालय पहुंच गए। प्रधान पति को देखते ही आरोपी दबंगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर चारों ने प्रधान पति विश्वनाथ सरोज की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। मारपीट से विश्वनाथ सरोज को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने घटना की शिकायत स्थानीय थाने में की है। पुलिस ने घायल प्रधान पति को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। INA के लिए जनपद कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। क्या मामला है? आज मुझे 10:30 बजे स्कूल से फोन आया। मास्टर साहब ने फोन करके बुलाया 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, सारी सुविधाएं बताने के लिए कि ऐसा ऐसा करना है 26 जनवरी अपना। उसके बाद में मैं वहां से बाहर। कौन से स्कूल में बुलाए? प्राइमरी विद्यालय। कहाँ ये है? गाँव निवारी में ही है। उसके बाद में मैं बाहर जैसे गेट के आया तो ये चार लोग मेरे सामने आकर के मुझे घेर कर। कौन चार लोग? चार लोग हैं जिसमें कमलेश कुमार, विकास कुमार, सतीश कुमार, राम अभिलाष। कहाँ के रहने वाले? नेवारी के ही रहने वाले हैं। ये लोग पीछे से पकड़ के मुझे मारना शुरू कर दिया। जब तक लोग भाग आते तब तक मुझे मार के गिरा दिए थे। मैंने तो आप इसकी सूचना कहाँ? मैं इसकी सूचना थाने पर देने आया हूँ। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहता हूँ। मुझे जानलेवा हमला किया गया मेरे ऊपर। आप ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान पति हूँ मैं। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सरोज।